सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कि व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी? हमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स क्यों चाहिए है? ना, हमें कोई कीड़े मकोड़े हम नहीं खाते हैं, या हमें नहीं चाहिए? इतने सारे प्लांट्स, जंगली प्लांट्स हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, फिर भी हम कहते हैं इन्हें बचा के रखो, इन्हें बचा के रखो। व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? कहाँ की आवाज आ रही है? कहाँ से, कहाँ से? बस ठीक हो गई। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल? ऑन वन हैंड, एक तरफ तो वो बारिश कम करता है एंड लीड टू फ्लड्स, ऑन अदर हैंड एक तरफ तो हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से क्या कम हो गई है, बारिश कम हो गई है, दूसरी तरफ से हम कहते हैं फ्लड्स आ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। हाउ हाउ डिफॉरेस्टेशन कॉजेस दिस? थर्ड आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉटिक स्पीशीज? हाउ दे आर हार्मफुल फॉर एंडेमिक स्पीशीज? लिस्ट द कॉजेस विच कॉजेस एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। व्हाट डू यू मीन बाय, या कौन से कॉजेस है जिसके कारण ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? डिफरेंस इन एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? जल्दी से, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ध्यान दो, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस है ये, राइट? आर यू एबल टू सी देम क्लियरली? ये लो, मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इज इट क्लियर नाउ? आई थिंक मोर क्लियर।
एक मिनट बेटा, एक मिनट। इज इट क्लियर नाउ? Yes. ओके ओके ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे टॉपिक है कि कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन का मतलब है प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, वो खत्म ना हो जाए दुनिया में से, अर्थ पे से खत्म ना हो जाए, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करके रखना। कैसे? हम जनरली अगर हम देखें, हम जूज में जो जूलॉजिकल पार्क है, छतबीर जू है जैसे चंडीगढ़ के पास, यहाँ ठीक है, एक रिक्रिएशन तो अलग है कि हम अपने मजे के लिए, बट वहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, कोई उन्हें मारे ना, कोई उन्हें तंग ना करे। ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है, राइट? तो जहां पे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं, बट क्या जरूरत है, शेरों की क्या जरूरत है हमें, है ना? हम कौन सा ठीक है, उनकी स्किन काम आ जाती है जब वो मर जाते हैं, बट ना करें, है? तो क्या जरूरत है हमें शेरों को, टाइगर्स को, बारासिंगा को, ब्लैक बक को, इनको कंजर्व करने की? ये आपने, हमने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे, राइट? लिखा आपने क्वेश्चन, आंसर लिखा है इसका? यस, एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? यस, टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हाँ, फर्स्ट आ जाता है टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, पहला है रीजन हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों करनी है। देखो बच्चे, फर्स्ट है टू मेंटेन बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर और एनवायरनमेंट। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं। देन सेकेंड आ जाता है टू मेंटेन फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। अगर बेटा बारहसिंघे नहीं होंगे, हिरन नहीं होंगे, अगर हम उनको मार देंगे तो शेर जो है वो खुद ब खुद मर जाएंगे ड्यू टू देयर यू नो स्टारवेशन, उनको खाना नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। बट जो अगर बारहसिंघा जो जिनको खाते हैं वो जंगली प्लांट्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक फूड चेन ने जो एक बैलेंस मेंटेन किया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देन बायोडायवर्सिटी और यू कैन से प्लांट्स ब्रिंग रेनफॉल। देन अनदर इज मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर सोर्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज जो हमें पता नहीं है। मैनी वाइल्ड प्लांट्स हैव, बेटा बिल्कुल शांति से, एकदम शांति से हमने काम करना है। मैनी मेडिस वाइल्ड प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज। देन अनदर इज दे आर सोर्सेज ऑफ वुड फाइबर्स। सोर्सेज ऑफ फूड तो है ही है, फूड, वुड, फाइबर्स, गम्स, रेजिन्स एटसेट्रा। ठीक है जी, तो ये सब जो है, दीज आर द यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
इन सब को रखने के लिए, इन सब यूजेस के कारण, और भी बहुत सारे यूजेस है बट दीज आर मेन, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. इज इट ओके? हैव यू रिटन दिस एवरीबडी? लिख लो लिख लो. 8th B C D E F A ऑल्सो. बेटा ये चीजें रट्टा मारने के लिए, क्रैमिंग के लिए नहीं है. लिखो जरूर, लिख के आपको समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी तो लर्निंग हो जाएगी. लर्निंग एंड क्रैमिंग में क्या फर्क है? क्रैमिंग होता है पानीपत की लड़ाई पानीपत में हुई, पानीपत की लड़ाई पानीपत में हुई, पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही होगी और कहां पर होगी, है ना? बट वो बच्चा रट्टा मारी जा रहा है, पानीपत की लड़ाई पानीपत में हुई, पानीपत की लड़ाई पानीपत में हुई, दिस इज क्रैमिंग. और एक ने समझ में कर लिया कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में हुई भी वही होगी, दिस इज लर्निंग, राइट? सो यू शुड लर्न द थिंग्स. ये चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये चीजें लर्निंग. और आप इसमें एक दो पॉइंट्स और कई पॉइंट्स खुद भी ऐड कर सकते हो कि आपको प्लांट से एनिमल से क्या कुछ मिलता है. तो नो नीड फॉर क्रैमिंग, समझना है हमने. इज इट ओके एवरीबडी? देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन अनदर हैंड? हाँ जी, जल्दी से ये पहले आप खुद कीजिए, फिर मैं बताती हूँ. बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं. इधर बेटा सीधा देखो, सीधा देखो, अपनी कॉपी पे ध्यान दो. डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि कम होगा? इंक्रीज होगा, यस. सो डिफॉरेस्टेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वन बाय वन चीजें हम करेंगे. पहले ध्यान से समझना है डिफॉरेस्टेशन, इससे क्या हुआ बेटा? ये साइन है इंक्रीज का, समझना है, इंक्रीजेस टेम्परेचर. बेटा बारिश कब होती है, रेनफॉल कब आती है? जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं और टेम्परेचर थोड़ा लो होने के बाद दे द वेपर्स दे कंडेंस, ठीक है? वेपर्स बहुत हो और उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए, कंडेंसेशन से रेनफॉल कम्स, राइट? बट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू रिटेन वॉटर वेपर्स इंक्रीजेस. जब पहले बेटा जब एनवायरनमेंट कूल था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूं, तो 100 वाटर वेपर्स थे तो वो कंडेंस हो जाते थे क्योंकि एनवायरनमेंट सेचुरेट हो गया, इससे ज्यादा वो वाटर वेपर संभाल नहीं सकता. बट जब टेम्परेचर बढ़ गया, आपको पता है इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज एक्सपेंशन, तो एनवायरनमेंट एक्सपैंड हो रहा है, उसकी वाटर वेपर रिटेनिंग कैपेसिटी, वो अब 100 की जगह जो है वो 1000 वाटर वेपर्स रिटेन कर सकता है. इसलिए जब तक 1000 वाटर वेपर्स नहीं होंगे तो रेनफॉल नहीं होगी. पहले 100 वाटर वेपर से रेनफॉल हो जाती थी. इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स हु कैन हु हैड अंडरस्टूड दिस. यस, समझ में आया कि अब जब, यस हैंड्स डाउन, कि जब वाटर, जब एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एयर एक्सपैंड करती है, उसके अंदर और ज्यादा वाटर वेपर समा सकते हैं, रुक सकते हैं, ठीक है? सो कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू रिटेन वाटर वेपर्स इंक्रीजेस. ज्यादा वाटर वेपर्स हवा में ही रहेंगे, कंडेंस नहीं होंगे. दिस डिक्रीजेस रेनफॉल, और इससे क्या होगा? कॉजेस ड्रॉट.
सूखा पड़ जाएगा। इज इट राइट? ये समझ में आई? सेकंड, एक तरफ तो सूखा पड़ रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ें आ रही है, अब क्या होता है? पहले ये लिख लो, फर्स्ट राइट डाउन, डिफॉरेस्टेशन से ड्रॉट कैसे हुआ? राइट डाउन दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर फ्यूचर क्लासेस ऑल्सो। इस क्लास में तो है ही है, आगे की क्लासेस में भी ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर्स प्लीज चेक कि सब बच्चों ने ये लिखा। एवरीबडी राइट डाउन, बेटा सोचो मत। व्हेन आई एम गिविंग यू टाइम राइट डाउन। एट थी स्टूडेंट्स, पीछे वाले बॉयज, बेटा लिख लो, इट मे कम इन योर एग्जाम। डन? जिस जिसका हो गया रेज योर हैंड्स एवरीबडी। ओके दैट्स गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन से देयर अकर्स सॉयल इरोजन। सेकेंड पॉइंट क्या है? पहले समझना है फिर लिखना है। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुई? सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन, यू नो दैट अपर लेयर ऑफ द सॉयल, इट गेट्स फ्लोन अप विद द एयर, है ना, उड़ जाती है कहीं और चली जाती है। सॉयल इरोजन हुई, हार्ड रॉकी पार्ट। हार्ड रॉकी पार्ट गेट्स एक्सपोज्ड, उसपे जब रेनफॉल होगी तो पानी फिसल जाएगा, ठीक है, वो सॉयल के अंदर सीप डाउन नहीं करेगा, क्योंकि अब ये क्या है, स्टोनी पार्ट है, सॉयल तो है ही नहीं। वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल डिक्रीजेस। ये नीचे को एरो है तो इट मींस डिक्रीजेस, जब ऊपर को था तो इंक्रीजेस, नीचे को है तो डिक्रीजेस। मच ऑफ रेन वाटर गोज इनटू रिवर्स एंड दिस कॉजेस फ्लड्स। एक रीजन मैं फ्लड्स का और बताऊंगी, पहले आप ये लिखिए कि जब सॉयल रही नहीं, रॉकी पार्ट आ गया, तो वहां पे सॉयल के अंदर जो सीपेज होती थी वाटर की, वो हुई नहीं, हो ही नहीं रही, ठीक है, तो इसलिए सारे का सारा पानी नदियों में जा रहा है, और जब वो नदियों में जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, बाढ़ हो जाए, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड्स आ जाएंगे। एवरीबडी डन, लिख लो फटाफट, और ऐसे एरोस करके लिखोगे बड़ी जल्दी, पूरी पूरी लाइनों में कितना टाइम वेस्ट करते हो। राइट लाइक दिस, यू विल गेट फुल मार्क्स। मे आई शिफ्ट टू नेक्स्ट पॉइंट? यस और नो? ओके, ये इसी का ही सेकंड का ही बी पार्ट आ जाता है। अब क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन में अब क्या हो गया, लेस प्लांट्स
इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन CO2 अमाउंट इन एयर, एयर में CO2 की कंसंट्रेशन, CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब CO2 का अमाउंट बढ़ गया, CO2 इन एनवायरमेंट ट्रैप्स सोलर रेडिएशंस एंड, नहीं तो सोलर रेडिएशंस धरती पे आती है, इसके सरफेस पे जो है वो स्ट्राइक करती है और बहुत सारी फिर दोबारा से चली जाती है, एंड डू नॉट अलाउ हीट टू एस्केप फ्रॉम एनवायरमेंट। अगर CO2 बेटा एक ऐसी गैस है जो हीट को स्पेस में नहीं जाने देती, जितनी ज्यादा अगर CO2 थोड़ी होगी तो थोड़ी हीट अर्थ पे रहेगी, ज्यादा हीट स्पेस में चली जाएगी, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, हीट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, एंड दिस इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एंड दिस इज कॉल्ड एज, जो हम आजकल बहुत बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, दैट इज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे इतनी सारी बर्फ जमी हुई है जिसको हम कहते हैं आइस कैप्स। जब एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा तो ये आइस कैप्स जब पिघलेंगी तो इतना पानी आएगा नीचे की तरफ, इट कॉजेस फ्लड्स इन रिवर्स। टू रीजन से फ्लड्स आते हैं, एंड नाउ यहां से आपको ग्लोबल वार्मिंग, जो मैंने यहां पे बात की है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, ये भी पता चला है। ठीक है, पहले ये लिखो, फिर मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन या कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट राइट डाउन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी 8th में कर रहे हो, 10th में फिर ये चीज आएगी, एंड आई होप अगर 8th में याद रहेगा तो 10th में प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तो आप कहेंगे कि मैम 8th का याद हो जाए बहुत है, बट इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट देर विल बी नो प्रॉब्लम। एट्थ बी वाले स्टूडेंट मुझे बताएंगे पीछे से, जो सबसे पीछे वाले बेंच पे, एक स्टूडेंट आ जाए माइक के पास बेटा, सबसे पीछे वाले बेंच पे, राइट, आ जाओ आ जाओ, कोई मैंने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछना, आ जाओ। हाँ जी बेटा, माइक ऑन कर और अपना नाम बताओ पहले बेटा। अभी, अभी ओके, अच्छा मुझे बताओ बेटा कि सन के सबसे पास फर्स्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी मरकरी, क्या वो बहुत ठंडा है कि बहुत गर्म है? गरम है, गर्म होना चाहिए बट है नहीं है, हम कहते हॉटेस्ट, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन से, वीनस को हम कहते हैं, मरकरी क्यों नहीं है हॉटेस्ट, व्हाई मरकरी इज नॉट हॉटेस्ट, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। बैठो बेटा बैठो, हाँ जी, किसी और सेक्शन में से किसी को पता है, रेज योर हैंड्स बेटा, क्योंकि मरकरी के पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस हम इसको कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, मैं आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट भी समझा दूं, ताकि ये अगर हमारी अर्थ है, दिस इज अर्थ, एंड बेटा बिल्कुल बातें नहीं, इट इज सराउंडेड बाय अवर एनवायरमेंट, ये जो है यहां पे हम रहते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे अंदर नहीं रह रहे, इसके सरफेस पे हम रहते हैं, और इसके सब अराउंड ये क्या है,
दिस इज एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ग्रीन हाउस गैस। बेटा होता क्या है? द सोलर रेडिएशंस, सोलर रेडिएशंस जो है वो अर्थ के सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है। सन की जो रेडिएशंस है, दे कम ऑन अर्थ सरफेस एंड स्ट्राइक द अर्थ सरफेस। सम रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ व्हाइल रेस्ट दे एस्केप इनटू द स्पेस। थोड़ी सी रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब करती है, ज्यादा नहीं। बाकी सब जो है वो टकरा के थोड़ी सी उसने एनर्जी लूज की और बाकी के सब स्पेस में जा रही। बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ रेडिएशंस यहाँ तक आई और कार्बन डाइऑक्साइड ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। ड्यू टू विच दीज रेडिएशंस हेल्प्स इन हीटिंग अप द अर्थ। ठीक है, हमारा अर्थ क्यों हैबिटेबल है, हम यहाँ पे क्यों रह सकते हैं? बिकॉज वी हैव एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर, हीटिंग अप द अर्थ। अगर माइनस में -10 11 अर्थ का टोटल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर होता तो हम इस पे नहीं रह सकते थे। इट इज ओनली ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ, बिकॉज इट हीट्स अप द अर्थ, इट वार्म्स द अर्थ। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाए तो ये वाली जो रेडिएशंस है ये भी बाहर नहीं जाएंगी, ये भी एनवायरनमेंट में ही रह जाएंगी। सो व्हाट विल हैपन? दैट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस वेरी हाई, एंड व्हेन इट बिकम्स वेरी हाई देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम इज मेल्टिंग ऑफ द पोलर कैप्स ड्यू टू विच फ्लड्स अगर बहुत सारी चीजें होंगी वो बात अलग है, बट एक ये कॉज भी आ जाएगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लेनेट? बिकॉज मरकरी डज नॉट हैव कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर इट कैन नॉट रिटेन द हीट ऑफ द सन। वो अपने में, अपने सरफेस पे सन की हीट नहीं संभाल पाता। जितनी सोलर रेडिएशंस उस पे पड़ती है वो सारी रिफ्लेक्ट होके दोबारा से स्पेस में चली जाती है, मरकरी के पास रहती नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अ कोल्ड प्लेनेट। वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट अर्थ हैबिटेबल है बिकॉज इट हैज ऑप्टिमम लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज असेंशियल फॉर लाइफ, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बट ह्यूमन एक्टिविटीज से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे से दोबारा पूछ सकता है। यस, एनीबडी कम फॉरवर्ड एंड देन आस्क मी। 8th B एनी स्टूडेंट? 8C एनी स्टूडेंट वॉन्ट टू आस्क? नहीं, चलिए समझ आ गया, रेज योर हैंड्स अगर समझ आ गया आपको। वेरी गुड। तो अब आपको ये पता चल गया व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। लिखो क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सच एज कार्बन। मैं दोबारा से बोल रही हूं, किसी को मैं, आई एम रिपीटिंग अगेन। इट इज डिफाइंड एज द
इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज बस ये थे, अपना माइक थोड़ा सा ऑफ रखें ताकि हमें आवाजें ना आए, बाकी सब रेस्ट इज ओके, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी 8 थे। 8th F बच्चे, आराम से बैठ जाओ, आराम से, बस 10 मिनट की बात है, हमारे पास ज्यादा टाइम ही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे बेटा, ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की थी, दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लिया था सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, तो अब हमने क्वेश्चन 6 भी कर लिया, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी हमने कर लिया। We have done this. Then third question आ जाता है, what do you mean by exotic species? बेटा आपको कांग्रेस ग्रास आपने सुनी है बच्चे सबने? Yes or no? Yes. चलिए, कांग्रेस ग्रास क्या थी बेटा? 80s में ना अमेरिका से कनक आया करती थी, ठीक है, अर्ली 80s में, मतलब 79-80 में। अब तो इंडिया कनक एक्सपोर्ट करता है, उस टाइम अमेरिका से कनक आया करती थी, और उसके साथ, वैसे तो हमारे क्वारंटाइन मेथड्स है, बट समहाउ ड्यू टू सम नेग्लिजेंस उसके साथ एक प्लांट आ गया, या कुछ उसके सीड स्पोर्स आ गए, दैट इज कांग्रेस ग्रास के, और वो इंडिया में कनक के साथ वो एक्सपोज हो गए। कांग्रेस ग्रास इंडिया की ग्रास नहीं है, वो अमेरिका की है, बट जो वो इंडिया में आई तो बाई चांस उसको इंडिया का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगा, वो कहते दिस इज वेरी गुड फॉर मी फॉर माई ग्रोथ, सो इट स्टार्टेड सेपरेट स्प्रेडिंग, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिल रहे थे, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा था, उसका कोई दुश्मन नहीं था यहाँ पर, क्योंकि सभी को पता ही नहीं था भाई ये कौन सा प्लांट है, तो नो पेस्ट नो वीड्स नो इंसेक्ट्स विच इन्फेक्ट द कांग्रेस ग्रास। तो कांग्रेस ग्रास इन इंडिया इज एक्सोटिक स्पीशीज, जो कहीं और से आई है, बट उसने क्या किया, क्योंकि उसको खराब करने के लिए कोई माइक्रोब्स नहीं है, तो इसलिए वो बिना किसी डर के स्प्रेड करी जा रही है, करी जा रही है। सो उसके स्प्रेड करने से क्या हुआ है, इंडिया के जो एंडेमिक प्लांट्स है वो खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स कौन ले रहा है, कांग्रेस ग्रास ले रही है। दूसरे जो एंडेमिक स्पीशीज है उनको इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं, उनको डिजीजेस भी लग रहे हैं, उनको कांग्रेस ग्रास से कंपटीशन भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एंडेमिक प्लांट्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। आपने सुना होगा अक का प्लांट होता था, एक होता तो अब भी है, बट वो बहुत कम मिलता है, पहले वो बहुत ज्यादा फैलता था। अक अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना तो वो बताएंगे अक क्या होती है, ठीक है, तो अब वो दिखता ही नहीं है बिकॉज ऑफ द कांग्रेस ग्रास। सो वट आर एक्सोटिक स्पीशीज, क्या हम कहेंगे एक्सोटिक स्पीशीज क्या है? द प्लांट्स और द एनिमल्स, द प्लांट्स और द एनिमल्स which do not belong to an area but are introduced, बातें नहीं introduced from
सम एन अदर रीजन। इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज एक्सोटिक स्पीशीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर कॉल्ड एज एक्सोटिक स्पीशीज। द प्लांट्स और द एनिमल्स विच डू नॉट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया, विच डू नॉट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया बट आर इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड। From some another region. From some another region. इनको हम कहते हैं exotic species. ठीक है, अब how they are harmful for endemic. Endemic होते हैं जो उसी region को belong करते और कहीं नहीं मिलते। They are endemic species. एट है, कैन यू हियर मी? ठीक है, जो कहीं और नहीं मिलते, जो एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। इज इट ओके? सो हाउ दे आर हार्मफुल फॉर एंडेमिक स्पीशीज। तो यहां पे लिख लो एक्सोटिक स्पीशीज, राइट डाउन एक्सोटिक स्पीशीज वंस एस्टेब्लिश, राइट डाउन एक्सोटिक स्पीशीज। एट थी, लिख लो बेटा एक्सोटिक स्पीशीज वंस स्टार्ट ग्रोइंग इन अनदर एरिया, स्टार्ट ग्रोइंग in another area take the nutrients exotic species once, write down exotic species 8c, write down once exotic species once start growing in an area take the nutrients from the endemic species, take the nutrients from the endemic species and gives competition to the endemic species. repeat karna मैं बताती हूँ, एक बार हम यही लिख देती हूँ। दोबारा से मैं बता रही हूँ, एक्सोटिक स्पीशीज वंस स्टार्ट ग्रोइंग इन अनदर एरिया takes nutrients of endemic species and starts competing with endemic species. Starts competing with endemic species due to which यहां से लिख लेना बेटा
ड्यू टू विच मेनी एंडेमिक स्पीशीज गेट एक्सटिंक्ट। Due to which many endemic species become extinct। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो बेटा। ये एक्सोटिक स्पीशीज के बारे में लिखा है जो क्लासेस ने बाद में ज्वाइन किया है। राइट डाउन फ्रॉम हियर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। जल्दी से एट्थ एफ बच्चे, बातें नहीं, बातें नहीं। चलिए जी, डन बेटा, लिख लिया, लिख लो जो बच्चे बाद में आए, लिख लो लिख लो लिख लो। राइट डाउन। चलिए जी, करें आगे। अच्छा, कर लो अभी एकदम। हाथ खड़ा कर दिया करो कि नहीं अभी नहीं करना है ना, माइक ऑफ ही रखा करो। कोई बात नहीं, कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके यूनिट टेस्ट में, फाइनल टेस्ट में डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ आएंगे। है ना, हम चाहे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, बट ये दोनों चीजें करके जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चंस। एट्थ ई मुझे बताएगा, एट्थ ई के स्टूडेंट्स विल टेल मी, लिस्ट ही करना है, सिर्फ नाम ही बताने हैं, विच कॉजेज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन्स जमीन पे से खत्म हो गया, अर्थ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता उस स्पीशीज का। सो हाउ, लिस्ट द कॉजेज विच कॉजेज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। यस, एट्थ ई, एनी स्टूडेंट रेज योर हैंड्स। एट्थ ई सबसे पहले, हां जी, फिर मुझे विपनदीप इज देयर, विपनदीप एट थी, I'm no I'm एब्सेंट absent एब्सेंट है समृति। आ जा बेटा समृति, जल्दी से। कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रही है, जल्दी से बोलो। हाँ, weather सबसे पहले वेदर के कारण। वेदर क्या हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। और temperature disorder टेम्परेचर, तो ये हो गया वेदर के कारण, वेदर मैंने बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग। एनी अदर, शेर चीते क्यों मर रहे हैं बेटा, बैठो बच्चे। शेर चीते मर रहे हैं, 1 मिनट बेटा, 8th F, जरा रुको। क्यों क्यों मर रहे हैं, क्योंकि उनके हैबिटेट्स, हमने उनके जंगल बर्बाद कर दिए। तो सबसे पहला कॉज है एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, फर्स्ट कॉज है डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स, और यू कैन से डिफॉरेस्टेशन। अनदर इज हंटिंग, एक्सेसिव हंटिंग।
इसकी वजह से बेटा एक वर्ड था हंटिंग, या हम कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन, कि हम उन प्लांट्स को ग्रो तो नहीं कर रहे बट उन प्लांट्स को काटी जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर एनिमल्स को हम मारी जा रहे हैं, एक्सेसिव हंटिंग या एक्सप्लॉयटेशन, सच एज डोडो। डोडो जो है रिसेंटली एक्सटिंक्ट बर्ड है। मॉरिशियस में बेटा ये मिलता था डोडो बर्ड, और यहाँ पे कुछ आ गए, मतलब समुद्र से कोई, मतलब ओशन से कुछ बाहर से लोग आ गए, यूरोपियन कुछ आए, क्योंकि डोडो मॉरिशियस में तो इनको लोग पूजते थे, इसलिए डोडो जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ता नहीं है ये ज्यादा, और ये ह्यूमन सोसाइटीज में ही रहता था, लोग इनको कुछ कहते नहीं थे, बट कुछ यूरोपियंस आए, उन्होंने डोडो को मारा और खाया, दे फाइंड इट डिलिशियस, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी डोडो को मारना शुरू कर दिया। एंड इट इज एंडेमिक स्पीशीज, सिर्फ मॉरिशियस में मिलता था, और एक्सेसिव हंटिंग के कारण ये बहुत थोड़े टाइम में एक्सटिंक्ट हो गया। राइट, देन थर्ड इज एक्सेसिव ओवर पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन एंड फोर्थ इज ग्लोबल वार्मिंग। दीज आर द फोर मेन कॉजेज। अगर पांच नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इन सबको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन, ये चार पॉइंट्स याद रखो, उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर दो। फोर पॉइंट्स क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट या डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव हंटिंग या एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स, ओवर पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन, एंड फोर्थ इज ग्लोबल वार्मिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस इन एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक्सटिंक्ट, पहले मैं थोड़ा समझा दूं फिर मैं लिखवाती हूँ। एक्सटिंक्ट मीन्स जिनका एक भी मेंबर अर्थ पे नहीं बचा है, सारे खत्म हो गए हैं, दैट आर एक्सटिंक्ट। जैसे हम कहते हैं डायनासोर्स, डोडो, ये एक्सटिंक्ट है। दूसरे आ जाते हैं एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब है जिनका नंबर बहुत कम हो गया है, और अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया दे विल बिकम एक्सटिंक्ट सून। सो राइट डाउन, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स आर दोज, क्विकली फटाफट, आपका नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर दोज हुज नो लिविंग मेंबर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, हुज नो लिविंग मेंबर। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स आर दोज हुज नो लिविंग मेंबर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और एंडेंजर्ड है, सेकेंड है एंडेंजर्ड। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स हुज नंबर इज रिड्यूस्ड, हुज नंबर इज रिड्यूस्ड बेटा पहले लिख लो फिर कॉपीज देना जरा, है ना, पहले लिख लो। हुज नंबर इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सटेंट, टू एन एक्सटेंट दैट इफ दे आर नॉट कंजर्व्ड, दैट इफ दे आर नॉट कंजर्व्ड देन दे मे बिकम, देन दे मे बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। और लास्ट में हमारा क्या बचा है, हम इनको कंजर्वेशन कैसे करनी है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड यू नो बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, और हम कुछ रीजन असर्शन के क्वेश्चंस भी मंडे को करेंगे।
सो आई होप ट्यूसडे आपको छुट्टी होगी एंड वेडनेसडे, फ्रॉम वेडनेसडे यू हैव एग्जाम्स, यस और नो? यस। चलिए सो वी विल मीट ऑन मंडे एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, वी विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक्स अ लॉट टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय बाय।